आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हाजिर हूं एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात विधानसभा में जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक पास। पीएम मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, अब वाराणसी की सीट से लड़ेंगी चुनाव। आधार डेटा के गलत इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बीजेपी को लगाई फटकार। और पाक पीएम इमरान खान का 24 घंटे के अंदर यू टर्न, भारत से चीनी और कपास आयात के फैसले को पलटा। और अब खबरें तफसील से। गुजरात विधानसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया है जिसमें विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। विधेयक के माध्यम से 2003 के कानून को संशोधित किया गया है जिसमें बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। सरकार के अनुसार गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 में उस उभरते चलन को रोकने का प्रावधान है जिसमें महिलाओं को धर्मांतरण कराने की मंशा से शादी कराने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। भाजपा शासित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी शादी करके जबरन धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं। संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार का डर सता रहा है, इसलिए वो किसी और सीट से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में किया है। पीएम मोदी के सवाल पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी करारा जवाब दिया है। टीएमसी ने कहा है कि दीदी नंदीग्राम में जीत रही हैं और पीएम मोदी 2024 में अपने लिए कोई सुरक्षित सीट तलाश लें क्योंकि उन्हें अब वाराणसी में चुनौती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा के उलेबेरिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की हार की बात कही थी। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। दीदी, अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और एक सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सच है क्या? जवाब में टीएमसी के ट्विटर हैंडल पर लिखा, दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से उनके लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। आप यानी कि पीएम मोदी 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश कर लीजिए क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में आधार डेटा के गलत इस्तेमाल के मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस को लेकर हाईकोर्ट ने पुडुचेरी बीजेपी और UIDAI को फटकार लगाई। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीर बताते हुए UIDAI से जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुडुचेरी में बीजेपी ने चुनावी लाभ के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को मैसेज भेजे, ये एक गंभीर आरोप है जिस पर UIDAI को जवाब देना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आनंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि पुडुचेरी बीजेपी ने गलत तरीके से आधार डेटा का इस्तेमाल किया और बूथ लेवल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लोगों को इनवाइट लिंक्स भेजे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर केंद्र सरकार अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। वैक्सीनेशन की धीमी गति और इसे कुछ लोगों तक सीमित रखने के सरकार के फैसले पर अब भाजपा के नेता ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर तंज कसते हुए कहा कि हमें कोरोना से निपटने के लिए दूसरे देशों से वैक्सीन आयात करनी होगी। कोरोना वैक्सीन पर अपनी ही सरकार को घेरने लगे स्वामी। भाजपा नेता ने ट्विटर पर कहा, कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे पास वैक्सीन की कमी पड़ रही है। हम भारत में इस्तेमाल करने से ज्यादा वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जॉनसन एंड जॉनसन की एक डोज वाली वैक्सीन आयात करें। हम पहले ही ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेको की कोविड शील्ड को ब्रिटेन से आयात कर रहे हैं, इसलिए कोई आत्मनिर्भर का मंत्र जाप नहीं चलेगा।
अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित कई अहम मुद्दे हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सहनशीलता शामिल है। अमेरिका की 2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकार को लेकर आलोचनात्मक खबरें लिखने वाले मीडिया पर सरकार या इसके नुमाइंदे द्वारा दबाव डाला जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत के संबंध में लिखे गए कुल 68 पेज के चैप्टर में कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों के बावजूद सत्ता के सभी स्तर पर आधिकारिक दुराचार को लेकर गैर जवाबदेही है। इसमें कहा गया है कि प्रशासन ने मीडिया की आवाज को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, हेट स्पीच कानून के साथ साथ अदालत की अवमानना जैसे कानून का सहारा लिया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को 24 घंटे के अंदर ही पलट दिया है। राइटर्स के मुताबिक पीएम इमरान खान की कैबिनेट ने गुरुवार को भारत से कपास और चीनी आयात करने के आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मानवाधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आज हुई कैबिनेट बैठक में स्पष्ट रूप से फैसला लिया गया है कि भारत के साथ व्यापार संबंध तब तक बहाल नहीं किए जाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का अपना फैसला वापस नहीं ले लेता है। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए Newsmx को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।